अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीदर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। अक्सर हम पीटीआई की आपा बड़ी बहनों से मिलते रहते हैं और उनके ऊपर करंट अफेयर और पॉलिटिक्स के ऊपर हम अच्छी खासी डिबेट करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी आप तो नून लीग के हैं, पता नहीं मैं कहाँ से हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। तो आज हमारे साथ आपा सादिया सुहेल साहिबा मौजूद हैं। पहले तो मैं बेहद मशकूर, उन्होंने कीमती वक्त दिया और हम उनसे आज पॉलिटिक्स से हटकर बात करेंगे कि क्या जिन्नात का वजूद है और जो आप वजीफे बताती हैं, आपकी व्यूवरशिप है, वो लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं तभी लोग दोबारा देखने के लिए आते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बिल्कुल PMLN के नहीं हैं, आप हमारे हैं, बल्कि आप आवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या इतने मॉडर्न दौर में आज भी जिन्नात का वजूद है, जिस तरह कि हम बचपन में सुनते होते थे कि फलां जंगल से गुजरे या फलां वीरान इलाके से गुजरे या फलां कब्रिस्तान के अंदर हैं, क्या आज भी है वजूद उनका? देखिए जिन्नात तो अल्लाह की मखलूक है, जिस तरह हमारा अजल से लेके अब तक रहेगा वजूद, और इसी तरह जानवर हैं और दरख्त, और इसी तरह के अल्लाह की मखलूक जिन्नात हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं। इसलिए इनका एक तो इनसे इनकार करना कुरान पाक में जिसका सूरह जिन पूरी मौजूद है और जिन्नात का बाहर हाथ जिक्र है, उससे इनकार करना है कि तो कोई वजह ही नहीं बनती। दूसरा आप मॉडर्न दौर हो पुराना दौर हो, जिन्नात तो अपनी जगह, शायद वो भी थोड़े मॉडर्न हो गए हो उन्होंने भी सूरतें बदल ली हो, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद हैं। पहले हम लोग वीरानों वगैरह का जिक्र इसलिए करते थे कि ये हम जो सुनते थे रवायात होती है ना कि जिन्नात ये दोनों वीराने में रहना पसंद करते हैं। अब ये भी बड़े सोशल हो गए हैं, ये लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और कहते हैं कि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ एक आदमी होता है वहाँ 35 जिन्नात भी माशाल्लाह इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं। लेकिन है कि अल्लाह ने उस मखलूक को कि महदूद किया है, जैसे इंसानों में बाज भले इंसान होते हैं, उनके रहने किसी हमसायों को नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन बाज शरारती होते हैं जिनके होने से पता चलता है कि वो मौजूद हैं और अपना आप दिखाते हैं। तो इसी तरह जिन्नात में भी जो ज़रा शरारती होते हैं और इस तरह का कुछ नेगेटिविटी वाले होते हैं, शैतानी किस्म के होते हैं, तो फिर वो लोग इंसानों को अपने आप को जाहिर करते हैं और नुकसान भी देते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम अगाए बगाए आपा के पास आते रहेंगे, आपके जो सवाल आते हों आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।